आगरा में मानसूनी बारिश का कहर जारी, तेज बहाव में बह गया पैंटून पुल। आजमगढ़ में नहीं हो रहा है कोविड नियमों का पालन, बिना मास्क के अस्पताल में दिखे लोग। लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से एक शख्स हुआ घायल, शोर मचाने पर बाघ वापस खेत में घुसा। सोनभद्र में अंडरग्राउंड पुलिया में भारी जल जमाव, जिला कारागार समेत कई गांव का आवागमन था। मुरादाबाद में धर्म परिवर्तन के मामले में एक और केस हुआ दर्ज, पीड़ित परिवार ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। ताज नगरी आगरा में अब सड़कों के साथ साथ हाईवे की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। हाईवे पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं, जो आए दिन वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इन सड़कों और गहरे गड्ढों से स्थानीय प्रशासन रूबरू ना हो, लेकिन जब कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब तक सरकारी मशीनरी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती। वही खस्ता हाल सड़कों और हाईवे पर बने बड़े बड़े गड्ढे को भरने का काम अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने की। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष रौनक ठाकुर ने सरकार के प्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रतिनिधि मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम करते हैं। जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है और सड़क पर एक उसके सहूलियत के नाम पर तक गहरे गहरे गड्ढे जो बने हैं डाल दिए हैं, मात्र अभी 6 महीने साल भर इस बने हुआ है पुल को, पर अभी से इनकी ये हालत हो गई तो यहाँ पर कई दुर्घटना हो गई। इसको देखकर बाटर बक्स से लेकर भगवान टॉकीज तक जितने भी गड्ढे हो गए इनको भरने का काम हिंदू महासभा कार्यकर्ता अपने खर्चे पर सीमेंट चम्बरसन गिट्टी लेके आया। और देखिएगा, सरकार द्वारा जो नारा दिया जाता है गड्ढा मुक्त प्रदेश, ये केवल धरातल पे नहीं आता है, क्योंकि योगी जी केवल वहाँ बैठ के लखनऊ में है और यहाँ के जनप्रतिनिधि उन्हें जो रिपोर्ट दे देते और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो केवल उन्हें रिपोर्ट दे देते कि प्रदेश में कहीं गड्ढा नहीं है। जब आपके चैनलों के माध्यम से खबर चलेगी तो कहीं ना कहीं योगी जी अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि गड्ढा मुक्त प्रदेश है या केवल नारों और केवल अखबार में विज्ञापन देने तक ही सीमित है। औरैया के गोविंद नगर में एक बुजुर्ग ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बुजुर्ग का कहना है कि मकान बिकवाने के लिए उनका बेटा उन पर दबाव बना रहा है और इस मामले में उनके बेटे ने उन पर चाकू से भी हमला किया, जिसके बाद गंभीर हालत में बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। औरैया थाना अंतर्गत गोविंद नगर मोहल्ले में एक संतोष नाम के व्यक्ति हैं, उनका अपने बेटे को लेकर कुछ आपसी विवाद हुआ जिसमें मारपीट हुई और संतोष के सिर में चोट लगी है। प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। आजमगढ़ कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया था। जून में जब संक्रमण की रफ्तार थमी तो इसके बाद अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ओपीडी सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई, लेकिन ना तो अस्पताल प्रशासन और ना ही इलाज के लिए आए मरीज। मंडलीय जिला अस्पताल का यह पूरा वाकया है कि जहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं दिखाई दिया। आपको बता दें कि हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से गेट पर मरीजों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और ना ही उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। यही हाल मरीजों और उनके परिजनों का भी देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मास्क लगाकर हॉस्पिटल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या उन लोगों की है जो मान चुके हैं कि फिलहाल कोरोना जा चुका है, वह ना तो मास्क लगा रही है ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रही है। मंडलीय जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट को इस वक्त तैयार हो चुका है लेकिन प्लांट फिलहाल अभी नहीं आया है। सभी चिकित्सालयों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस समय विशेष परिस्थिति वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को लेकर है, जहां जिन चिकित्सालयों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वहां अधिकांश संख्या में लोग आ रहे हैं।
और सभी उत्सुक हैं कि कितनी जल्दी हमको वैक्सीनेशन हो जाए। गोरखपुर और आसपास के लोगों की आंखों की परेशानियों को दूर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय पार्षद के सहयोग से निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ। स्थानीय पार्षद संजय कुमार श्रीवास्तव के प्रयास से आज एक दिवसीय निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। आई हॉस्पिटल के द्वारा हांसपुर वार्ड के एक विद्यालय में यह आयोजन किया गया, जहां 200 से अधिक लोगों ने अपनी आंखों की निशुल्क जांच करवाई, जहां 50 से अधिक लोगों में मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई है। आज वास्तव में मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा हमारे सभासद घासपुर के संजय भैया को कि इन्होंने हमारे हॉस्पिटल के एक कर्मचारी अभिषेक श्रीवास्तव जी, वो इनसे मिले और सामाजिक हित में हम लोग अभी एक कार्यक्रम चला रहे हैं, अंधता निवारण कार्यक्रम। इसमें गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के जितने भी एडज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के शहरी और रूरल बेल्ट में घर घर जाकर के हम लोग हर व्यक्ति के आँखों को चेक करेंगे, वो गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास का हो। तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली अवसर था कि सबसे पहले संजय भैया हम लोगों को ज्वाइन किए और अपने मन से ज्वाइन किए, जनहित में ज्वाइन किए, और इस पहले ही कार्यक्रम में अब तक 200 लोगों को हम लोग वार्ड में, हम लोग लगातार घूमते रहते हैं वार्ड में, तो हमारे वहाँ गरीब बस्ती दो हर्जन बस्ती है और मौर्या गली है, इस सब में बहुत गरीब लोग रहते हैं जिनके पास आँख के ऑपरेशन कराने की क्षमता, पैसा उनके पास नहीं है। इसलिए हमने राज आई हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर अनिल श्रीवास्तव जी से मुलाकात किया और बात किया कि हमारे वार्ड में एक कैंप लगवा दीजिए, जो निशुल्क इन लोग का ऑपरेशन हो जाए, निशुल्क देख लीजिए या टेस्ट हो जाए, आँखों का टेस्ट हो जाए। उसी उपलक्ष्य में आज राज हॉस्पिटल की तरफ से तत्वाधान में आज यहाँ कैंप हमारे वार्ड में लगाया गया है और सुबह से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा संख्या में लोग अपना आँख का टेस्ट कराए, 200 के ऊपर लगभग ये टेस्ट जा रहा है और 30-40 के करीब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, वो आज 10 के करीब आज ऑपरेशन यहाँ से राज हॉस्पिटल में गए हैं और बाकी कल परसों के अंदर लगातार 2-3 दिन में हम लोग जितने भी आज की डेट में ऑपरेशन मोतियाबिंद का निकला उनको कराया जाएगा और बाकी चश्मा और दवा। खबर कानपुर देहात से है, जहां फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर प्रधान पद का चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया है। दरअसल पूरा मामला सिकंदरा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत लौवा का बताया जा रहा है, जहां पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति का ग्राम प्रधान पद का आरक्षण था, लेकिन लौवा गांव निवासिनी आशीष कुमार पाल की पत्नी मोहिनी देवी ने फर्जी धनगर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाते हुए नामांकन दाखिल किया और चुनाव में जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद ही अनुसूचित जाति के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने इस मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी से की। शिकायती पत्र में कहा गया कि 7 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन हम अनुसूचित जाति के लोग अमरण अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन चुनाव, उसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण था, लेकिन जालसाजी से मोहिनी देवी पति आशीष कुमार ने फर्जी 80 जात के धनगर का प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ी, जिसकी हम लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कई बार मैंने शिकायत की, जुलाई में 14 तारीख को हमने जिलाधिकारी कानपुर देहात, फिर 23 तारीख को जिलाधिकारी CDO मैडम को यहाँ शिकायत दी और कहा भी कि मैडम अगर हमें इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम 7 दिनों बाद हम रणनसन पर बैठेंगे और 7 दिन पूरे हो गए और हम रणनसन। समस्या ये है कि यहाँ पर जो चुनाव हुआ था उसमें SC का जो प्रमाण पत्र बनवाया गया था, OBC कैटेगरी से जो पाल गडरिया जात से आते हैं उसके लिए ये फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया गया, SC सीट पर चुनाव लड़े। सोनभद्र के सदर विकास खंड के गोरमा मारकुंडी मार्ग पर रेलवे विभाग द्वारा बनाए गए अंडरग्राउंड पुलिया में भारी जल जमाव हो गया है। जल भराव होने की वजह से आवागमन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने अंडरग्राउंड पुलिया में मारकंडू प्रधान उधम सिंह के नेतृत्व में कई लोगों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि जल्द इसका समाधान निकाला जाए। बता दें कि यह मार्ग जिला कारागार समेत चिरौक, लोआ, मकरीबारी समेत सैकड़ों गांवों को जोड़ने का काम करता है। लोगों ने बताया कि हमने रेलवे विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला। लगभग 10 दिन से पानी रुका हुआ है,
कई दिन हम लोग फोन किए, यहाँ पे नंबर लिखा गया है, इसके बाद उस नंबर पे फोन करने के बाद वो लोग कहते हैं कि गलत नंबर है, कभी कहते हैं कि पानी निकल जाएगा। आज कई दिनों से हम लोग परेशान हैं, फोन करते करते आज भी फोन किया गया कि भैया पानी रेलवे वाले निकलवा दें इसमें से, जिससे आवागमन चालू हो जाए, पैदल बाइक मोटरसाइकिल जो भी लोग इसमें जा रहे हैं, वाहन सीज हो जा रही है, इसमें बंद हो जा रही है गाड़ी, इतनी लापरवाही रेलवे अंडरग्राउंडिंग पुलिया बनाने से हो रहा है, जनता को परेशानी हो रही है, आए दिन दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा, फोन करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ना पानी को निकालने का कोई कार्य किया जा रहा है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मानसूनी बारिश लगातार जारी है। इसी मानसूनी बारिश की वजह से आगरा का पैंटून पुल तेज पानी के बहाव में बह गया। आपको बता दें कि पुल के बहने से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। चंबल नदी में आई बाढ़ के चलते लोगों का काफी ज्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है। बाढ़ की वजह से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हमीरपुर के सरीला स्वास्थ्य केंद्र के पास संदिग्ध अवस्था में वृद्ध साधु का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि शव मिलने के बाद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक साधु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जारिया थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी मितौली क्षेत्र के गांव डोकरपुर में बाघ के हमले से एक व्यक्ति घायल हो गया। आपको बता दें कि खेत में गन्ना बंधाई करने गए 5 मजदूरों पर खेत में छुपे बैठे बाघ ने हमला कर दिया। हमले से एक मजदूर को गंभीर रूप से वो घायल हो गया, जबकि 4 अन्य लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। लोगों के द्वारा शोर मचाने पर बाघ वापस उन्हीं खेतों की तरफ घुस गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और घायल को मितौली CHC में भर्ती कराया गया है, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। फिलहाल व्यक्ति की हालत सामान्य बताई जा रही है। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक बच्ची के परिवार वालों को ढूंढकर उसे उनके हवाले कर दिया है। मासूम को अब उनके परिवार का सहारा मिल चुका है और बच्ची के मिलने के बाद उसके परिवार वाले काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा में दुकानदार के साथ मकान मालिक की दबंगई होते हुए नजर आई है। आपको बता दें कि मकान मालिक जबरन दुकान से बाहर करना चाह रहा है, जबकि दुकानदार 5 लाख रुपए एडवांस के तौर पर पहले ही जमा करा चुका है, फिर भी मालिक उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। इस मामले में पीड़ित दुकानदार न्याय की गुहार लगा रहा है। ग्रामीण बैंक के बगल में हरिओम कलेक्शन और प्रिंटिंग प्रेस के नाम से, उस पर मकान मालिक द्वारा मुझे बुलाया गया और वहाँ पे मारा पीटा और कट्टा लगाया उन्होंने। उसके बाद हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, थाने में पुलिस से पैसा दे। मुरादाबाद में धर्म परिवर्तन के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना मंजोला इलाके के रहने वाले एक युवती के पिता ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले दूसरे संप्रदाय के 6 लोगों पर अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। साथ ही थाना मंजौली में 5 नामजद सहित 6 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले की तफ्तीश के दौरान युवती का एक वायरल वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में युवती अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाने और शादी करने की बात कबूल कर रही है। पूरे मामले की जांच फिलहाल कराई जा रही है और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे, पुलिस अधिकारी सभी तथ्यों की जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही की बात करेंगे। इसमें थाना मजौला पे तहरीर प्राप्त हुई थी कि उनकी बेटी को कुछ लोग धर्मांतरण कराने के उद्देश्य से अगवा कर ले गए। इस प्रकरण में थाना मजौला पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान एक वीडियो भी लड़की की तरफ से प्राप्त हुआ है, जिसमें उसने बताया है कि मैं अपनी मर्जी से इस व्यक्ति के साथ गई हूँ और मैंने शादी कर लिया। इसमें पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार। बुलंदशहर में लूट और हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हत्या और लूट की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस अब आरोपियों के क्रिमिनल हिस्ट्री खंगालने में फिलहाल जुटी हुई है।
देखिए, बीती रात लगभग 12:30 बजे के आसपास गुलावटी पुलिस के द्वारा एक गैंग को पूरा पकड़ा गया है, जिसके 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जो मुख्य रूप से एक इदरीस नाम का व्यक्ति है और उसके नेतृत्व में चल रहा था, और वसीम, फिरोज, शौकीन, ये 3 मेन पार्टनर्स हैं जो जनपद हापुड़ के रहने वाले हैं। मुनाजिर का एक घेर है जो राधा कृष्ण फार्म हाउस, जो गुलावटी सिकंदराबाद रोड पे है, इसके बगल में स्थित है। बहुत दिनों से इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ किसी इलाके में अवैध कटान का काम चलता है। अयोध्या के गोलाघाट स्थित झुनकी घाट के पास सरयू नदी में स्नान करने आए 3 युवक डूब गए। आपको बता दें कि जिसमें से 2 की घाट पर रहने वाले एक व्यक्ति ने सहारा देते हुए सरयू नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन एक युवक पानी में ही बह गया। आपको बता दें कि जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 युवक बाराबंकी के सैद खानपुर गाँव से अपने परिवार के साथ सरयू में स्नान करने के लिए अयोध्या आए हुए थे। स्थानीय गोताखोरों और जल पुलिस की मदद से इनमें से 2 शख्स को बचा लिया गया है, जबकि 1 युवक तेज बहाव के कारण बह गया, जिसकी तलाश फिलहाल जारी है। सुबह जो है लगभग 6-7 बज रहा था, तो ये लोग स्नान कर रहे थे, तो मौके पर घाट पर ही मैं था और घाट पर अपना स्थान है, तो देखे कि 2 जो है मुड़ी दिखाई दे रहा था। जब चिल्लाने मतलब डूबने का आवाज सुने, तब मौके से आ करके और कूद करके जो इन लोगों को जान बचाए। इनका नाम संजय चौरसिया है, इनका बालचंद चौरसिया, और जो लड़का 15 साल का है उसको देख नहीं पाए थे भैया, हैं, तो वो जो है उसकी बॉडी का मैंने बहुत प्रयास किया, कम से कम 1000 डुबियां लगाया हैं, लेकिन वो जो है प्रयास करने के बाद। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। औरैया के जालौन चौराहे से कानपुर की तरफ जाने वाले बाएं फ्लैंक पर ऑटो में एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में, ऑटो की जो ऊपर वाली छत है उसकी रॉड से लटकती हुई डेड बॉडी मिली है। बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई भेज दिया गया है। आगे औरैया के अरवा कटरा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर लोगों पर हमला किया। बदमाशों के हमले में घर में मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों के फरार होने के बाद पीड़ितों ने पुलिस में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। थानाध्यक्ष अरवा कटरा सुधीर सिंह ने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहां पर 7 लोग थे, तो 2 ने उसे पकड़ लिया और इधर 5 भागे आए, तो मैं मेरे पति को मारने लगे। क्या नाम है पति का? श्री राम। तब साहब हमने रोका ठोकी करी, तो इन्हें हमो पीटा, मेरे बाला चिड़ा कानन मतलब निकाल लिए और बहुत पति को पीटा है। बारिश के मौसम में प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा की सड़कें बारिश की वजह से इस वक्त जलमग्न हो चुकी हैं, इसलिए जलमग्न सड़कों के निर्माण को लेकर गांव के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। आक्रोशित लोगों ने कहा कि यहां के सांसद ने जीत के बाद विकास के बड़े बड़े दावे तो किए थे, लेकिन उनके सारे दावे इस वक्त फेल साबित हो रहे हैं। जीत के बाद सांसद ने यहां पर पलट कर एक बार भी नहीं देखा है। लोगों की मांग है कि इनकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। हमारी सड़क खराब है, 10 साल से बनी नहीं है और बरसात के टाइम में 3 महीने के लिए रास्ता भी बंद हो जाता है, पर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अरे हम तो सड़क चाहिए भैया, कहीं सड़क बन जाए और नहीं हम तो रोड जाम करेंगे जाते आएंगे। और था इतनी परेशानी झेल रहे हैं, हम विकट परेशानी झेल रहे हैं। हमारे गाँव को प्रेम हुए बाकी बहू के मतलब बालक है रो, तो भाई पैदर पैदर कंधन पर धर के लाए हम, भाई थोड़ा उपये की चुराई वो हुए। सांसद जी राजकुमार चार जी को वोट दिए थे इसलिए कि हमारी सड़क बन सके और जो समस्या है उससे निकास हो जाए हमारा। और जो विधायक हैं सांसद ने कई बार अवगत करा दिया गया है, परंतु कोई सुनो।
ताज नगरी आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में खेत के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। इस फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घायल के इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मानसूनी बारिश देश के कुछ इलाकों में राहत तो दे रही है, लेकिन कुछ इलाकों में यह बारिश आफत बनकर उतरी है। पहाड़ों में हो रही मानसूनी बारिश के साथ लैंडस्लाइड भारी तबाही मचा रहा है। वहीं ताज नगरी की बात करें तो ताज नगरी में हो रही बारिश अब आफत का सबब बनकर उतरी है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी का सपना देख रहे आगरा वासियों का सपना इस वक्त पानी पानी हो गया है। इस वक्त शहर में जहां पर भी लोगों की नजरें जा रही हैं, सिर्फ पानी का सैलाब ही देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से मौसम सुहाना और गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बारिश से नगर निगम के दावों की पोल भी खुलती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। शहरवासियों का कहना है कि मानसून से पहले आगरा के महापौर नवीन जैन ने बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि इस बार शहर के नालों को बारिश से पहले साफ करा दिया जाएगा। वहीं आज तक ये दावे तो पूरे हुए नहीं, पर पूरा शहर पानी पानी हो चुका है और नगर निगम के सारे दावे बारिश के बाद हवा हवाई दिखाई दे रहे हैं। शहर की शायद कोई ही ऐसी सड़क या मोहल्ला बाकी बचा हो जो अब जलमग्न न हो। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि नगर निगम के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। आया जा रहा है जो क्लीन आगरा के तहत चल रहा है, ये मॉडल बिल्कुल जो चल रहा है एक तरीके से, मतलब कोई इस पे काम नहीं चल रहा है। केवल बरसातों में पानी भरता है और सब कार्य होते हैं। पानी प्रशासन, नगर निगम और जो भी मेयर साहब की जो टीम है पूरी निकलवाने में, मतलब केवल कुछ समय के लिए जो दिखाते हैं मीडिया पे चलाते हैं, बाकी फिर उसके बाद में कुछ नहीं है। क्षेत्रीय जनता कह के नगर निगम में जा जाकर चक्कर लगा लगा कर काट काट कर परेशान हो चुकी है। उन्होंने भी हार मानकर अपने घर में ही बैठना, परेशानियों को मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो बात सही हो चुकी है कुल मिलाकर। तो अब इसमें नवीन जैन को या तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर अपने आप को मुंह छुपाकर भग जाना चाहिए कहीं। ताज नगरी में इस वक्त हो रही आफत की बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और लगातार प्रशासन के खिलाफ लोगों के अंदर काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं अब सवाल उठता है कि सोता हुआ नगर निगम आखिर किस दिन जागेगा और पानी में डूबे ताज नगरी को कब सहारा मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट, क्राइम टीवी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।